गर्मी में हम सुराही का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करते हैं। ये सुराही कागज से कैसे बनती है या किताब से कैसी बनती है, ये हम अभी देखेंगे। और किताब की इस चिमनी बनाने के लिए आपको एक पुरानी किताब की जरूरत है जिसमें काफी सारे पन्ने हों। सबसे पहला पेज बीच से मोड़ दें, बिल्कुल आधे में। दूसरा पेज ऐसे मोड़े कि ये त्रिकोण बन जाए, बड़ा त्रिकोण। तीसरा पेज वापस से आधा मोड़ दें। चौथा एक त्रिकोण बना दें। और इस तरह से ये सिलसिला पूरी किताब के साथ करें। और ये सब करने के बाद एक सुंदर चिमनी तैयार हो जाएगी। यदि आपकी किताब में बहुत ही ज़्यादा पन्ने हों तो जब आप किताब को खोलेंगे तो बिल्कुल गोल चिमनी तैयार हो जाएगी। बहुत ही विहंगम दृश्य है। इसकी पन्नों को अगर आप उंगली से हिलाते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये देखिए, पीछे से एक साधारण किताब जिसके अंदर एक कीप या चिमनी बंद है। इसका आकार भी बहुत ही अद्भुत है। सबसे ऊपर एक बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, नीचे भी बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, और बीच में कटा हुआ शंकु, ट्रंकेटेड कोन। तो मजा लीजिए किताब से एक बढ़िया चिमनी बनाने का। इसको जमीन पर लिटाया तो ये चिमनी एक अलग तरीके की दिखाई देती है। अद्भुत।